तो कुशन एंपायर कुशन एम्पायर जो थे आफ्टर मॉरियंस मॉरियंस के बाद जो आए वर कुशान यानी ऑक्यूपाइड आफ्टर मौरियंस कश्मीर वाज ऑक्युपाइड बाय कश्मीर वाज ऑक्युपाइड बाय कुशानस ठीक है तो दीज आ, और इन कुशानस में अगर हम बात करेंगे कलहन की कलहन ने जो कलहन अकाउंट ऑफ तुरुकुशा किंग्स था तुरुकुशा किंग्स इसे ये पता चलता है किसी डाउट के बगैर कि कश्मीर में कुशानज ने वैली यानी कश्मीर को कुशानज़ ने भी ऑक्यूपाई करा था तो अगर हम बात करेंगे थ्री ग्रेट रू रूलर्स की यहाँ पे जो थ्री ग्रेट रूलर्स थे रहे एक था होशिका दूसरा का नाम था जशिका, तीसरे का नाम था कनिषिका और ये जो तीन रूलर्स थे तीन रूलर्स इन्होंने क्या थ्री टाउन भी बनाए है अकॉर्डिंगली और वो इसे रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली एक एक ने बनाया मतलब पर देयर नेम इज यानी पोरा वन जोशी का पोरा एंड कनिष्का पोरा वन सो गाइस गाइज दीज द

दे ऑल्सो हैड समक्यूलर थॉट राइट तो यहां पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसल भी होता है कश्मीर में जो कि हेल्ड बाई कनिष्का यानी कनिष्का के रूल में जो होता है हेल्ड बाई कनिष्का कहां पे होता है कुंडल वन में कुंडलवन कहा रिमेम्बर दिस दिस इज इन हारवन साइड नियर शालमर गार्डन राइट शालमर गार्डन ये इंपॉर्टेंट है uh, शलमोर गार्डन के साथ यानी अगर आपसे ये कहा जाएगा कि जो बुद्धिस्ट काउंसल है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसल कहां पे हुआ है ऐसा भी कह, कह सकते हैं कि कहां पे हुआ है कश्मीर में हुआ अगर ऑल इंडियन एग्जाम होगा तो उसमें वो इतना भी कहते हैं कि कहां पे हुआ और कब हुआ यह भी याद रखना यह हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसल लॉस्ट oh, दी 2 AD में 72 AD में हुआ था तो कहां पे हुआ था कुंडल वन में कुंडल वन कहा शालमर गार्डन पॉइंट जो मैं स्लाइड पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ बल्कि जबानी बोल रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने स्लाइड पे नहीं लिखे है क्योंकि ये मैं मुझे पहले ही पता होता है कि ये मैं बोलने वाला हूं ठीक है तो इसमें दो सेक्टर्स में टू सेक्टर्स में ये डिवाइड होती है बुद्धिज्म जो है बुद्धिज्म जो है ये टू सेक्टर्स में एक सेक्ट का नाम है हिनायना हिनायना एंड महायना हिनायना और महायना और वो इसे महायना और हिनायना महायना यानी महा मीनस ग्रेटर वैकल हिना स्मॉलर वैकल तो इस बात भी याद रखना तो ये जो बुद्धिस्ट कौंसल है इसमें दो सेक्टर्स में डिवाइड हुई है बुद्धिज्म तो बुद्ध अगर हम देखेंगे बुद्धिज्म का फाउंडर है गौतम बुद्धा यानी उसका असली नाम था सिद्धार्थ तो इस बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट कौंसल में बहुत सारे बुद्धिस्ट जो स्कॉलर्स होते हैं बुद्धिस्ट स्कॉलर्स दे टुक पार्ट इन दिस बुद्धिस्ट काउंसल लाइक उनमें से कौन कौन था अश्वा गोशा वसुबंधु वसु बंधु सुंगा मित्रा एंड जिन्ना मित्रा ठीक है तो यहाँ पे आपने इतना याद रखना है कि जो ये बुद्धिस्ट काउंसल हुआ है ये कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसल हुआ है 72, 72 एडी में और यहाँ पे बुद्धिज्म दो सेक्टर्स में डिवाइड होती है एक माह और दूसरा हिनायना और माह को हम ग्रेटर व्हीकल भी कह सकते हैं हिनायना को हम लेसर व्हीकल भी कह सकते हैं तो एक का एक वर्शिप पे बिलीव करता है महायना और एक आइडियल वर्शिप पे बिलीव नहीं करता है तो दिस वाज ऑल अबाउट द बुद्धिस्ट काउंसल और इस काउंसल में बहुत सारे हिस्सा लेते हैं जो की स्कॉलर्स होते हैं उस जमाने में उस उनका नाम है अश्वा घोष नागा और अर्जुना वसु एंड सुंगम मित्रा एंड जीना मित्रा अगर हम बात करेंगे अशोका की वो टू अशोका टू हंड्रेड अशोका के उसी ने यहां पे बुद्धिज्म लाया वो टू हंड्रेड बी फिफ्टी बी बीसी में यहां पे आया था राइट right? तो इसके बाद नाउ मू टू द सेकंड वन स्लाइड करकोटा डायनास्टी जब हम बात करेंगे कुशानस की कुशान के बाद आते हैं करकोटा करकोटा डायनास्टी इनको दूसरा नाम भी है सॉरी मैंने यहां पे लिखा है एस एस कट करना है करकोटा आल्सो नोन एज नागाज इट इज नागाज नागाज और जो कि फाउंडर है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडर ऑफ करकोटा डायनास्टी इज दुर्लाबा वर्धन दुर्लाबा वर्धना सिक्स ट्वेंटी फाइव टू

चाइनीज पिलग्रम तो इसने यहां पे विजिट किया था तब यहां पे दुर्लभ वर्दना की हुकूमत थी वो कहां से आया वो आए थे बारम, विया बारामूला बारामूला और वहां पे उसने ही फाउंड वन ऑफ द ह्यूज गेट जो कि स्टोन से बना हुआ था बारामूला में ही फाउंड देर वन ऑफ द ह्यूज गेट ठीक है स्टोन गेट घ यहाँ पे कितने साल रहते हैं टू इयर्स ये भी इंपॉर्टेंट हाउ मेनी इयर्स ह्यून संघ स्टेड हेयर ही स्टेड हेयर फॉर टू इयर्स एंड ही लर्नड हेयर टू स्क्रिप्ट संस्कृत स्क्रिप्ट एंड हिंदू स्क्रिप्चर्स उसने यहाँ पे हिंदू भी हिंदू स्क्रिप्चर्स uh, भी पढ़े हैं और संस्कृत भी सीखा है संस्कृत में ही राज तरंग लिखी गई ठीक है तो उसके बाद दुर्लभा के बाद आते हैं प्रतापा प्रताप प्रतापा प्रताप आफ्टर दुर्लभा वर्धना हेयर यानी सक्सेसर ऑफ दुर्लभा वर्धना इज प्रतापितिया तो उसने टाउन एक टाउन बनाया जिसका नाम है प्रतापपुरा प्रतापपुरा आज के डेट में उसे कहते हैं तापर आज के डेट में उसे कहते हैं तापर नू ने ता, तापर ठीक है तो अगर हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट रूलर यानी इसका ग्रेटेस्ट रूलर जो रहा है करकोटा डायनास्टी का दैट वॉज ललितिया मुक्ता पिदा ललितिया दतिया मुक्ता पिदा क्योंकि उसने थर्टी सिक्स रूल किया है इस आपको ये ललित्यादतिया मुक्ता पिदा है जो ये अलग से आपको पढ़ना है क्योंकि ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस करकोटा डायनास्टी लेट्स मूव ऑन टू स्टडी अबाउट हिम ललितिया दत्िया एंड ऑफ द ग्रेटेस्ट कंक्यूर 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 मीन जो कि करे हमला करे और वहां हुकुम हमला करके वहां पे राज भी करे ही वॉज ग्रेटेस्ट कंक्यूर जो कि मैंने यहां पे लिखा है ग्रेट कंक्यूर पॉइंट में लिखा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंक्यूर ऑफ ऑफ कश्मीर यानी रूलर ऑफ द रूलर ऑफ कश्मीर तो इन्वेडेड एंड कंक्योर्ड मनी कंट्रीज इन इंडिया एंड एशिया उसने इनवेड किया हमला किया और कनक्योर्ड और उनको कब्जे में भी लिया मनी कंट्रीज बहुत सारे मुल्क in इंडिया में भी और एशिया में भी अगर उस जमाने में बात करेंगे इंडिया की जबकि इंडिया की फ्रीडम भी होती है ना तब भी तब भी यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसली स्टे, स्टेट होते हैं मोर अबाउट फाइव फिफ्टी प्रिंसली स्टेट जिसमें कश्मीर भी है एक ये भी प्रिंसली स्टेट होती है मैं बात कर रहा हूं 1947 की तब जो थे तब ये जैसा आज आप इंडिया देखते हो वैसा इंडिया नहीं था इट वॉज डिड सेक्टर्स और राइट right? तो जो ये दुर्लभ मुक्ता पिदा है इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इसने कनक्यूर किए बहुत सारे मुल्क चाहे आज के इंडिया में भी आते हैं वो या एशिया में भी आते हो जैसे कौन कौन सा मुल्क उसने कनक्यूर किया है तो पंजाब कश्मीर का रूलर था पंजाब भी पंजाब आज का पंजाब जो है आपका पंजाब भी किया कनौज भी किया तिब्बत भी किया तिब्बत तिब्बत आज चाइना में आते, आता है तिब्बत तिब्बत भी किया लद्दाख ले लद्दाख जो कि आज इंडिया में और अलग यूनियन टेरिटरी है बिहार बिहार मालवा मेवाड़ एट्सट्रा तो ये चीजें आपने याद नहीं रखने हैं क्योंकि इट इज सम काइंड ऑफ बट इट शोज द पावर ऑफ इट शोज द पावर ऑफ ललितिया दतिया हाउ हाउ इंपॉर्टेंट ही इज दैट इज वाई ही इज ऑल्सो कॉल्ड द समंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर क्योंकि समंदर गुप्ता जो थे इंडिया में वो भी समंदर गुप्ता जो रहे इंडिया में ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया तो इसे भी कहते हैं टाइटल गुप्ता ऑफ कश्मीर राइट right? तो यहां पे अरब का पावर था सिंध में तो समंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर जो कि उसको ब्रोक किया यानी उसको तोड़ा जो कि पावर किन का पावर था अरबस का पावर सिंध में सिंध किसे कहते हैं सिंध कहते हैं इंडस को इंडस इंडस जो कि इंडस के आसपास वाली है उसे सिंध कहते हैं ठीक है तो ये एक ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन उसने डिसिल्टेड किया है झेलम को साफ सफाई की है साफ सफाई की है और बहुत सारे बंड्स बनाए एम्बैंकमेंट्स बनाए अराउंड uh, लो लो लाइनिंग एरियाज जो लो लाइंग एरियाज जहां पे सैलाब आने की जहां फ्लड आने की चांसेस थे यानी इट शोज दैट दैट ही हैड इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फॉर द वेलफ हिज इंटरेस्ट्स वेयर फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी क्योंकि सैलाब ना आए और पानी uh, अच्छे तरह ड्रेनेज सिस्टम ठीक रहे दैट इज इट तो वाज द ग्रेट बिल्डर बिल्डर यहां मैंने लिखा ही वाज द ग्रेट बिल्डर बिल्ट हिज कैपिटल शाइन ऑफ खीर खीर उसने खीर बावनी के सामने ही उसी के नजदीक अपनी कैपिटल बनाई जिसका नाम रखा परहसपुर यानी परहसपुर का मतलब है सिटी ऑफ प्लेजर राइट सो डियर गाइज इट वॉज ऑल अबाउट ललितिया और उसने बहुत सारे टेंपल्स भी बनाए हैं जिसमें वन ऑफ द फेमस टेम्पल है मार्टन सन टेम्पल मार्टन सन टेम्पल एट मटन यहां पर मैंने लिखा है मार्टन सन टेम्पल एट मटन और ये सीखने का बहुत शौकीन था इ इसको सीखने का बहुत शौक था ही वॉज द ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग तो दैट इज वाई बहुब बहुब हिज यानी अपनी जो उसका ये वो व्हाट वी कॉल्ड हिज कोर्ट दरबार जिसे हम कह सकते हैं दरबार में उसे कौन था बटी आफ्टर हिज डेथ इट वाज मोस्टली आफ्टर हिज हेयर ऑयल अदर रूलर्स बट दे वर वीक वीकर रूलर्स वीकर रूलर्स रूलर्स ऑफ करकोटास और वैसे करकोटा डायनास्टी तो उनमें एक आता है फिर उनमें एक आता है फिर जय पीदा जय के बाद ही ये करकोटा डायनास्टी स्टार्ट होती है डिक्लाइन यानी खत्म होने लगती है तो फिर क्या होता है जितने भी इसने क्या ने ललितिया ने कंक्यूड की थी ये स्टेटस व्हाट वी से कंट्रीज उन्होंने अपना पावर वापस लिया दे देयर इंडिपेंडेंस 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 एंड सवरिटी उन्होंने इंडिपेंडेंस uh, हासिल किया फिर से और सावरिटी और यहां पे ये जो रूल रहा इट कंफाइनेड टू द वितास्ता बेसन ये सिर्फ कश्मीर में ही रहा यानी वितास्ता किसे कहते हैं जालिम को जालिम बेसन में ही रहा ठीक है जालिम के आस पास ही तो दिस वॉज ऑल अबाउट द से एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर और वी करकोटा डायनास्टी एंड करकोटा डाइनासिटी एंड कुशान एम्पायर

Bye.